साइटोलॉजी के रक्त मिश्रित नमूनों का संरक्षण किसके द्वारा सबसे अच्छा होता है? पहला द्रव आधारित साइटोलॉजी तकनीक, दूसरा सेल ब्लॉक तकनीक, तीसरा सामान्य, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर इज द बी। माउंट होने वाले स्पेसिमेन के फिक्सेशन के लिए इस स्पेसिमेन को पहला फिक्सेटिव से उसी रूप में डुबो देना चाहिए, दूसरा पतली स्लाइड काटकर फिक्सेटिव में डुबोना चाहिए, तीसरा फिक्सेटिव में इंजेक्ट करना चाहिए, दो भागों में विभक्त करना चाहिए। आंसर सी। पारंपरिक तरीकों द्वारा संपूर्ण ब्रेन के फिक्सेशन में लगने वाला समय 24 घंटे, 3 दिन, 7 दिन, 2 सप्ताह। आंसर इज द डी। साइटोलॉजी स्मियर्स का गीला निर्धारण किस द्रव में किया जाता है? 50% अल्कोहल, 70 से 90% अल्कोहल, 10% अल्कोहल, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर इज द बी। टीबी के खखार जांच के लिए कौन सा रंग का उपयोग होता है? ए कोज, दूसरा ई एच एंड ई, सी जिल नेंसन, डी सुदान ब्लैक। आंसर इज द सी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विकल्सीकारक नहीं है? 5 से 10 ml नाइट्रिक एसिड, 10% एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जलीय फार्मिक अम्ल। आंसर इज द बी। ए एफ बी किसके जांच में सहायक है? ए टीबी, दूसरा स्कैलर फीवर, तीसरा गलसुआ, चौथा खसरा। आंसर इज द ए। मल परीक्षण में बाइल अभिरंजक अंडे किस जीवाणु के होते हैं? एंसाइटो स्टोमा, डिओडियनल एस्केलिस, लुब्रिकोइड, हिमोनो लेफिस्नाना, एंटीबियम वर्मिकुलारिस। आंसर इज द बी। माइक्रोबैक्टीरिया के एसिड फास्ट स्टेनिंग में इस्तेमाल होने वाला मुख्य स्टेन या रंजक है? जाइमसा, मेथिलीन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट और कार्बन फ्यूसिन। आंसर इज द डी। व्यक्ति जिसकी आरबीसी की सतह पर प्रतिजन बी है उसका ब्लड ग्रुप है? आंसर ए बी ओ ए बी। आंसर इज द बी। बी अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार कोई भी व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता, वो 18 वर्ष की उम्र से अधिक हो, 45 वर्ष किलोग्राम वजन से ज़्यादा हो, ए और बी उससे पहले कभी हिपाटिस हुआ हो। आंसर इज द डी। कैसेट में रखे जाने वाले ऊतक की अनुकूलतम मोटाई कितनी होती है? 4 मिलीमीटर, 8, 1, 2। आंसर इज द ए 4 मिलीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित संक्रामक है? मानव शरीर, द्रव, रक्त, बलगम, उपरोक्त सभी। आंसर इज द डी, उपरोक्त सभी। बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है? आरबीसी की सतह पर ए और बी एंटीजन का ना होना, आरबीसी की सतह पर ए और बी एंटीजन का होना, आरबीसी की सतह पर एच एंटीजन का ना होना, आरबीसी की सतह पर बॉम्बे एंटीजन का होना। आंसर इज द सी। यदि किसी व्यक्ति का रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग दोनों ए और बी सेल्स में ऑस्लेसिस दिखाई दे तो उसका ब्लड ग्रुप होगा? आंसर ए बी ओ ए बी। आंसर इज द सी, ब्लड ग्रुप ओ। द्रव आधारित साइटोलॉजी के लिए उपयोग किया जाने वाला फिक्सेटिव है? ए इथेनॉल आधारित संरक्षक, बी 100% मेथेनॉल विकृति अल्कोहल, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर इज द ए। बफी कोट स्मियर बनाया जाता है एल ई सेल के जांच के लिए, एनीमिया के लिए, इसके मस सेल कैंसर के लिए और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लिए। आंसर इज द ए। मूत्र की विशिष्ट घनत्व कितनी है? 0.003 to 1.030। आंसर इज द सी। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया नहीं पाया जाता है? ए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, बी थैलेसीमिया, सी सिंड्रोब्लास्ट एनीमिया, विटामिन B12 के। आंसर इज द सी। मूत्र में शर्करा का परिणाम जानने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? ए एसबाग, बी बेनेडिक्ट, सी एरलिक, डी जेरहाक। आंसर इज द बी। कोगुलेशन फैक्टर बनने में किस विटामिन की जरूरत होती है? विटामिन ए, डी, के, ई। आंसर इज द सी, विटामिन के। ब्लीडिंग टाइम निम्न सभी में बढ़ जाता है सिवाय थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हीमोफीलिया, बॉन विलब्रॉन बीमारी, यकृत संबंधी बीमारी। आंसर इज द डी। प्रयोगशाला का कचरा कैसे डिस्पोज करना चाहिए? ए सिंक वाश बेसिन, दूसरे सामान्य कचरे के साथ डस्टबिन में, अलग अलग रंग के डब्बों अथवा बैग में, कहीं भी। आंसर इज द सी। व्यापन चरण में पैराफिन वैक्स का गलनांक कितना होता है? 54 से 62 °C, 100 °C, 40 से 70। आंसर इज द ए। निर्जलीकरण निर्माकों में से किसके द्वारा किया जाता है? अल्कोहल की आरोही सांद्रता, अल्कोहल की अवरोही सांद्रता, एब्सोल्यूट अल्कोहल या 95% अल्कोहल। आंसर इज द ए। साइनोमीट हीमोग्लोबिन विधि हीमोग्लोबिन के सिवाय सभी प्रकारों का आकलन करता है सिवाय मीट हीमोग्लोबिन, सल्फो हीमोग्लोबिन, डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आंसर इज द बी। रेटिकुलोसाइट जांच की जाती है लाल रुधिर कणिका में, श्वेत रुधिर कणिका में, प्लेटलेट्स में, उपरोक्त सभी। आंसर इज द ए।
मल परीक्षण में एकल न्यूक्लियक सिस्ट पाया जाता है, ए जियार्डिया, बी साइजेला, सी हुकवर्म, डी एंट अमीबा हिस्टोलिका। आंसर इज द डी। स्पुटम ए स्मियर में ए एफ बी पॉजिटिव होने के लिए टीबी के जीवाणुओं की कितनी संख्या होनी चाहिए, ए 10 मिली पर एम एल, 100 पर एम एल, 1000 पर एम एल, 10000 पर एम एल। आंसर इज द डी। हीमोफीलिया किससे संबंधित विकार है, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 7, फैक्टर 5 की कमी। आंसर इज द बी, फैक्टर 8 की कमी। एम जी जी स्टेन निम्नलिखित में किसका मिश्रण है, इओसिन मेथिलीन ब्लू जिम्सा स्टेन, इओसिन एवं मेथिलीन ब्लू, इओसिन एवं आजूर ऑफ मेथिलीन, उपरोक्त में से क्यों नहीं। आंसर इज द ए। निम्नलिखित में से कौन सा डी कैल्सिफाइंग द्रव नहीं है, गुडिंग एवं स्टीवर्ट फ्लूड्स, कार्नोइड फ्लूड्स, सिस्ट्रेट सिट्रिक एसिड अफर जेकिंग फ्लूड। आंसर इज द बी। माइक्रोफाइलेरिया नहीं पाया जा सकता खून में, पेशाब में, मल में, लिम्फ नोड में। आंसर इज द सी, मल में। अर्धचंद्रकार मादा गैमेट पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वेली। आंसर इज द बी। इनमें से कौन सी एक विधि हीमोग्लोबिन आकलन उपयोग नहीं होता, कोलरोमीटर विधि, गैसोमेट्रिक विधि, मैक्रोविधि, अपेक्षिक घनत्व विधि। आंसर इज द बी। हेरिसिमेटलाइजेशन निम्नलिखित में से किसके घुलनशील हैं, अल्कोहल, जल, एसिटिक अम्ल, द्रव अमोनिया। आंसर इज द ए। डिसमेंटिनेट इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन बीमारी है। आंसर इज द डी, बीटी, पीटी एंड प्लेटलेट मात्रा की कम होना। खींचे गए तरल के प्रसंस्करण के लिए आदर्श समय है, जितना शीघ्र संभव हो, 30 मिनट से पहले, 2 घंटे से पहले, ए 6 घंटा से पहले। आंसर इज द ए, जितना शीघ्र संभव हो। रक्त श्रावण विकार की जांच, रक्त जमना रोकने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है, 1/4 EDTA, 1/4 सोडियम सिट्रेट, 1/9 EDTA, 1/9 सोडियम साइट्रेट। आंसर इज द डी, 1/9 सोडियम साइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा की आदत नहीं है, रक्षात्मक लैब गियर का प्रयोग, नीडल डिस्पोजल सिस्टम प्रयोग करना, रक्षात्मक लैब गियर को लैब से बाहर पहनना, और शार्प चीज़ों का डिस्पोज कर अलग अलग तरीकों से करना। आंसर इज द सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।